आइए मैं अब संध्या इंटरप्राइजेज के लेबोरेटरी के तरफ चलते हैं। संध्या इंटरप्राइजेज एंड संध्या रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट में आपको स्वागत करते हुए आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो मैटर है, आज का जो टाइटल है, जिंक एस्टेरेट का आप नाम सुना होगा। उस जिंक एस्टेरेट के बारे में जानने से पहले आप जरा अपने ब्रेन को और अपने वक्त को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अपनों से प्यार और शहर में व्यापार, अपनों से प्यार और शहर में व्यापार जो ईमानदारी से करता है, यकीन मानिए साहब, वह अपने जिंदगी में खूब तरक्की करता है। फिर से एक बार सुनिए, अपनों से प्यार और शहर में व्यापार जो ईमानदारी से करता है, यकीनन मानिए साहब, वो अपने जिंदगी में खूब तरक्की करता है। अब हम चलते हैं जिंक एस्टेरेट क्या है। जिंक एस्टेरेट जो है उसका जो कलर होता है व्हाइट होता है, मेल्टिंग पॉइंट 120 प्लस माइनस 0.5 होता है। रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो 1.09 प्लस माइनस 0.05 होता है। और हम मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हैं तो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिले ये क्या है, जिंक एस्टेरेट क्या है। जिंक एस्टेरेट के बिना रबर इंडस्ट्रीज को चलाना दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट। जिंक एस्टेरेट जो होता है, हम अगर एक्सट्रूडिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे हम एक्सट्रूडिंग करते हैं तो उसको एक्सट्रूडिंग प्रोडक्ट को एक चिली वाटर की तरफ से पास करते हुए उसको क्वाइल करते हैं। जैसे एक्सट्रूडिंग होता है तो उस चिली वाटर के अंदर में हम जिंक एस्टेरेट को डाल देते हैं। जैसे आपको सपोज मान लीजिए आप वो रबर होज बनाते हैं या कोई स्क्रीन बीडिंग बनाते हैं या कोई प्रोफाइल बनाते हो तो उसको क्या करता है, वो सेपरेशन का काम करता है। जैसे जो अनक्यूरेड कंपाउंड रहता है जो वल्कनाइजिंग से में जाने से पहले उसके अंदर पास करने से और काफी प्रोसेस रहता है बीच में, तो कच्चा माल को आपस में चिपकने नहीं देता है। ओके, उसी तरह से आप कोई कैलेंडरिंग मटेरियल है तो कैलेंडरिंग मटेरियल को लाइनिंग का भी काम करता है, सेपरेशन का काम करता है। जैसे कि आप जो जैसे काफी इंडस्ट्री में सैंड ब्लास्ट होज का कंपाउंड बनाया जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, तो जैसे कैलेंडरिंग से मटेरियल निकलेगा तो उसको लेयर को हम ब्रश के थ्रू वो पाउडर जिंक एस्टेरेट पाउडर को हम लगाते जाते हैं तो फिर हम उसको क्वाइल करते जाते हैं। क्वाइल के बाद उसको कटिंग करके फिर हम प्रोसेस में लेके जाते हैं तो जिंक एस्टेरेट क्या करता है, उसको सेपरेट करने का काम करता है। अगर नहीं तो आपको बीच बीच में आपको कुछ लाइनिंग फैब्रिक देना पड़ता है, तो ये जिंक एस्टेरेट का आपने देखा। उसी तरह से आप होजेज का प्रोडक्शन में काम करते हैं, जैसे होज है, होज पाइप है, तो उसको हम जो एक्सट्रूडिंग ट्यूब करते हैं तो डीप पानी के अंदर जिंक एस्टेरेट जो होता है वाटर के अंदर फ्लोट होता है क्योंकि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आपको 1 से कम होती है। और जिंक एस्टेरेट जैसे ही टेम्परेचर के अंदर जाएगा तो क्या होगा, 120 डिग्री के ऊपर ही जो भी वल्कनाइजिंग होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो है 125 को और 130 के ऊपर ही क्यूरिंग होता है। जैसे 120 के बाद क्या होगा, जिंक एस्टेरेट पूरा मेल्ट होकर डिस्ट्रॉय होकर उसी में उस कहीं पर दिखेगा ही नहीं। इसलिए जिंक एस्टेरेट को ज्यादा लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो आपने देखा कि जिंक एस्टेरेट क्या है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का विराम देता हूँ। नमस्कार।